दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल 10,000 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ करंट लगने की वजह से। इसमें से कई मौतें ऐसी होती है जो अपने घर के उपकरणों में फॉल्ट होने की वजह से उसको शॉक लग जाता है। जो फ्रिज, मिक्सी, वाटर हीटर ऐसे उपकरण है जिसमें करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पैसे आपके सामने एवल्स की ओर से एक नया प्रोडक्ट जो कि आपको इस करंट से बचाएगा। थोड़ा सा भी करंट आपको लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारे पास में हेवल्स का लाइफ सेविंग डिवाइस जो कि इस तरीके से काम करता है, जो पानी का गीजर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, मिक्सी हुआ, वहाँ पर आपको करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहाँ पर इस तरीके का डिवाइस यूज होता है जो कि आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करता है। बाई चांस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में कोई खराबी है और आपको शॉक लग सकता है तो ये वाला डिवाइस आपको बचाएगा। तो दोस्तों, इस प्लग को मैंने खरीदा था अपने बाथरूम में लगे हुए गीजर के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का मिश्रण होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो जाए तो, कारण से हमें शॉक प्रूफ होने के लिए ये वाला डिवाइस खरीदा है। और इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 16 एम्पीयर का करंट कैरी करता है। प्लग को 16 एम्पीयर वाले सॉकेट में लगाना है और आप देखोगे कि यहाँ पर लाइट जलेगी। अगर लाइट नहीं जलती है तो आपको ये रिसेट वाला बटन प्रेस करना है एंड एक बार टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट वाला जैसे बटन दबाओगे तो ये वाला जो रिसेट प्लग है ये ऊपर आ जाएगा बटन, यानी ये ऑफ हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से आपको खोल देना है। तो जो एल है वहां पर आपको लाइव वायर लगाना है या फिर जो करंट का वायर, नेगेटिव एल लिखा हुआ वहां पर आपको नेगेटिव वाला, और ई पर है वो अर्थिंग वाला वायर लगाना है। तो यहाँ से आपको वायर इसके अंदर डालना है इस प्रकार, एंड इसको भी खोल देते हैं हम। वापिस फिट कर देना है। प्रकार से लगाते हैं इसको अंदर। ये आ गया फिटिंग और करते हैं ऑन। देखिए यहाँ से पावर जाने लगी 64 वाट एंड बल्ब है वो भी ग्लो हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से फिट करना है। इसको अगर टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट वाले बटन पे दबाना है तो ये एमओ पूरा बंद हो जाएगा। वापस चालू करने के लिए इसको दबाना है और ये चालू हो गया है। इस प्लग के ऊपर आप जो गीजर वगैरह लगाते हो बाई चांस फॉल्ट हो जाता है तो ये वाला इस तरीके से बंद होगा। इस तरीके से ये पूरा बंद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसको इंस्टॉल करते हैं हमारे गीजर में, और गीजर का जो पुराना प्लग था 16 एम्पीयर का उसको निकाल दिया है, उसको हम खोलेंगे और इसके बाद में इस वाले प्लग को इंस्टॉल करेंगे। इसकी वायरिंग है वो एकदम प्रॉपर तरीके से करनी है। जैसे एल वाला लाइन वाला तार है वहाँ पर आपको रेड वायर लगाना है, और जहाँ ई लिखा हुआ है वहाँ पर ग्रीन वाला वायर लगाना अर्थिंग का, एंड जो एन लिखा हुआ है न्यूट्रल वहाँ पर आपको ब्लैक वायर लगाना है। तो ये प्रॉपर वायरिंग हो जाने के बाद में वापस इसको फिट कर देना है जैसा आपने खोला था। इसके बाद में अभी लगाते हैं वापस इसको 16 एम्पीयर वाले प्लग में, और कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब। फिर अब करते हैं बटन ऑन और रीसेट वाला बटन है उसको दबा देते हैं तो जो पावर वाली एलईडी है वो चालू हो जाएगी, यानी प्रॉपर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अगर ये गीजर कहीं पे फॉल्ट होता या फिर जो करंट लीक हो रहा होता तो ये वाला है ना ऑटोमेटिक ऑन भी नहीं होता और वापस से बार बार ट्रिप हो जाता जैसे हम इसको चालू करते हैं। तो गीजर एकदम फाइन है इसलिए ये मस्त काम कर रहा है। फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे तो ये वाला जो डिवाइस है हमें प्रोटेक्ट करेगा और हमें शॉक लगने से बचाएगा। यह था एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नया आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करो, एंड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप खरीद सकते हो। थैंक